नमस्कार, मी आरती ओटी, एमव्हीटीव्हीच्या बातमीपत्रात आपले स्वागत। महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या शुभ हस्ते वाशी सेक्टर 31 येथे उभारण्यात आलेल्या उत्तराखंड भवनाचे उद्घाटन आमदार सौमंदताई म्हात्रे व अन्य मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडले। नवी मुंबईत वाशी सेक्टर 31 येथे उत्तराखंड भवन उभारण्यात आले आहे। या भवनाचे उद्घाटन मकर संक्रांतीच्या शुभ मुहूर्तावर महाराष्ट्राचे आपले राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या शुभ हस्ते आज संपन्न झाले। या कार्यक्रमास महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री TS रावत, आमदार सौमंदताई म्हात्रे व अन्य मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। व्यासपीठावरील उपस्थित मान्यवरांना पुष्पगुच्छ व केदारनाथ देवस्थानाची प्रतिमा देऊन सन्मानित करण्यात आले। यावेळी महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल व उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले। श्रीमती मंदा विजय म्हात्रे जी आज इस कार्यक्रम में उत्तराखंड से पधारे हुए हमारे विधायक टिहरी गढ़वाल श्री धन सिंह नेगी जी, उत्तरायण पर्व की, उत्तराखंड में कहीं उत्तरायण बोलते हैं हम लोग, कहीं मकरायण बोलते हैं और मकर संक्रांति हम लोग सामान्य रूप से बोलते हैं। आज इस पवित्र अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। उत्तराखंड भवन निश्चित रूप से एक सम्मान का भी प्रतीक है हम सब लोगों के लिए, और किसी भी राज्य का भवन अगर राज्य से बाहर होता है तो एक तरह से उनके लिए सम्मान का प्रतीक होता है। मुंबई में लाखों की संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं और दीर्घ काल से रहते हैं। स्वाभाविक रूप से उनकी इच्छा भी रही होगी कि यहाँ पर भी हमारा कोई भवन होना चाहिए, और आज हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि आज उत्तराखंड भवन का यहाँ पर विधिवत लोकार्पण कर दिया गया है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इन 1.5 वर्षों में 200 से अधिक फिल्में और जो सीरियल्स हैं उनकी शूटिंग ये उत्तराखंड में हो रही है। आज भी उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग हो रही है और कई फिल्में जो बड़ी फिल्में हैं, बड़े निर्माता हैं, चाहे वो मलयाली फिल्म के होंगे, तमिल फिल्मों के होंगे, राजा मौली और तमाम ऐसे बड़े जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, आज वो उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग के लिए आ रहे हैं। और धीरे धीरे फिल्म शूटिंग का डेस्टिनेशन ये उत्तराखंड बनता जा रहा है, और जो उसके लिए जो अवस्थापना सुविधाएं चाहिए वो भी हम वहाँ पर, जो अभी हमने फिल्म कॉन्क्लेव मसूरी में किया था उसमें कई चीज़ें हमारे सामने आई और हमको लगा कि वास्तव में इन चीज़ों कमी है, उनको हम बहुत जल्दी उत्तराखंड में उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो भविष्य का उत्तराखंड ये फिल्म शूटिंग का डेस्टिनेशन बने, ये हमारी कोशिश है। श्री केदार की, माता तुलजा भवानी की, नवी मुंबई में उत्तराखंड भवन के लोकार्पण शुभारंभ के अवसर पर उत्तराखंड के माजी मंत्री और आमदार श्रीमती मंदा आचार्य जी, हमारे पोंगल और घुगुतिया, ये तो त्रिवेन जी भी नहीं जानते, भूल गए, इसलिए सबकी आपको बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र के उन मुख्यमंत्री को और उत्तराखंड के उन मुख्यमंत्री को जो यहाँ है नहीं, कुछ तो शायद संसार में भी नहीं है, उन सब लोगों को बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उनकी ओर से नवी मुंबई में इस स्थान के लिए कोशिश की गई, यह स्थान हमको प्राप्त हुआ और आज हमारे त्रिवेंद्र सिंह जी को, मुख्यमंत्री जी को नहीं, हम आप सबको ये गौरव हो रहा है कि भैया हम शिखर वासियों को सागर में भी जगह मिल गई, इसलिए इस सागर तक आप सब लोगों को मैं
बहुत बहुत इस लोकार्पण के अवसर पर बधाई देता हूँ। देश आगे को बढ़ रहा है और महाराष्ट्र तो यहाँ के कहा जाता कि देश की राजधानी राजनीतिक नहीं तो आर्थिक राजधानी है और अर्थ के बिना कुछ होता नहीं है, लेकिन अर्थ कभी कभी अनर्थ भी करता है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि खाली पैसे कमाने के पीछे पड़े रहोगे, अपनी मातृभूमि को भूल जाओगे, वही को भूल जाओगे, ईजा को भूल जाओगे, तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैं जब कभी आपके बीच में आता हूँ तो कहता हूँ कि भाई जरा वहाँ अपने भूल को भी याद रखा करो। उत्तराखंडाच्या वतीने आमदार सुमनदत्तय म्हात्रे यांचा सत्कार करण्यात आला। नवी मुंबई बेलापुर मतदार संघ में उसका भव्य उद्घाटन हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल जगजीत सिंह कोश्यारी के शुभ हाथों से हुआ है और बहुत हमें नवी मुंबई वासी को खुशी है। आज माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पर आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। वैसे ही ऐरोली के विधायक आदरणीय माजी मंत्री गणेश जी नाइक साहब, नवी मुंबई के मेयर जयवंत सुतार जी, सभी मंच पर बैठे हुए मान्यवर, सामने बैठे हुए सभी मान्यवर भाइयों और बहनों, पत्रकार बंधु, मुझे बहुत खुशी हो रही कि यहाँ का उत्तराखंड के लोग हमेशा मुझे कहते थे कि हमें जगह चाहिए, हमें भवन चाहिए, मैडम हमारे लिए शिल्कों से जगह मिलनी चाहिए। मगर आज सचमुच यहाँ भवन खड़ा होकर दो तीन दिन पहले ही जय ज्वाला माँ उत्तराखंड का कार्यक्रम था, उसमें भी हमने कहा था कि जल्दी ये उद्घाटन हो जाएगा और आज उद्घाटन हुआ है। हमें खुशी है कि हमारे उत्तराखंड के भाई बहन यहाँ बहुत प्यार से रहते हैं, उनके सारे कार्यक्रम रहते हैं, मगर जगह की बहुत कमी थी, आज वो भी पूरी हो गई है। और राज्यपाल जी से कहना चाहूँगी कि देखिए यहाँ राजस्थान भवन है, गुजरात भवन है, सब भवन है, मगर महाराष्ट्र भवन नहीं है। महाराष्ट्र भवन के लिए जगह है मगर महाराष्ट्र भवन अभी तक बन चुका नहीं है। मुझे आपसे विनती है कि आप इस महाराष्ट्र के राज्यपाल है, आप भी सरकार से निवेदन करेंगे हमारी हमारे तरफ से कि जल्द से जल्द हमारा महाराष्ट्र भवन भी बन जाए, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा रखूंगी। दूसरी बात है कि हमारे उत्तराखंड के भाई बहन है हमेशा पर्यटन में और संस्कृति में आगे है, हमेशा अपने गांव के सब कार्यक्रम यहाँ लेके आते हैं। तसेच या कार्यक्रमात विविध सांस्कृतिक नृत्य सादर करण्यात आले। कॅमेरामन सूरज कांबळे, MVTV न्यूज। आजच्या स्पेशल रिपोर्ट मध्ये इतकेच। नमस्कार।